हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग मिक्सिंग के दो इक्विपमेंट सिग्मा ब्लेड मिक्सर और प्लेनेटरी मिक्सर के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताप सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस इक्विपमेंट के प्रिंसिपल की बात करते हैं। इस इक्विपमेंट का जो प्रिंसिपल है, जो हमारा सिग्मा ब्लेड मिक्सर है, उसका जो प्रिंसिपल है, ये शेयरिंग की मैकेनिज्म पे काम करता है। जो भी हमारा मटेरियल है उसके अंदर कैस्केडिंग मोशन होने के कारण हमें यहाँ पे कन्वेक्टिव मिक्सिंग भी प्राप्त होती है। कैस्केडिंग मोशन की अगर हम बात करें तो इसमें जो भी हमारा सब्सटेंस है उसको हम ऊपर लाते हैं, फिर नीचे गिराते हैं, ऊपर लाते हैं, फिर नीचे गिराते हैं, जिसके कारण कि ये इसके अंदर कैस्केडिंग मोशन क्रिएट होता है और हमें कन्वेक्टिव मिक्सिंग प्राप्त होती है। अब हम लोग बात करेंगे इस इक्विपमेंट के कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो इस डायग्राम में है। ये इसका क्रॉस सेक्शन व्यू है और ये इसका टॉप व्यू है। तो इसमें अगर आप देखें तो इसके अंदर दो ब्लेड्स होती हैं। इनका आकार जो है सिग्मा के आकार का होता है, जिसके कारण हम इसको सिग्मा ब्लेड मिक्सर भी कहते हैं। ये जो ब्लेड्स हैं ये एक मिक्सिंग टो के अंदर फिक्स रहती हैं और उसी के अंदर रोटेट होती हैं, जिसके कारण कि हमें प्रॉपर मिक्सिंग अचीव होती है। अब हम इसके कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए डबल टो शेप स्टेशनरी बाउल। इसमें एक जो डबल टो स्टेशनरी बाउल होता है, इसके अंदर दो सिग्मा शेप के ब्लेड्स होते हैं जो कि हॉरिजॉन्टली फिटेड होते हैं और उसी के अंदर मूव करते हैं। ये जो हमारे सिग्मा ब्लेड्स हैं ये एक फिक्स्ड स्पीड ड्राइव से कनेक्टेड रहते हैं और जो हमारा मिक्सर है वो टॉप से लोड होता है और उसको हम टिल्ट करके उसमें से सब्सटेंस को बाहर निकालते हैं या उसको अनलोड करते हैं। टिल्ट मतलब उसको एंगल देना या हल्का सा झुका के हम सब्सटेंस को बाहर निकाल लेते हैं और जब भी हम इसके अंदर कोई सब्सटेंस डालते हैं तो वो ऊपर की ओर से डालते हैं, टॉप साइड से उसको डालते हैं। अब हम इस इक्विपमेंट के वर्किंग की बात कर लेते हैं। तो जिस सब्सटेंस का हमको मिक्सिंग करनी होती है उसके पाउडर को हम टॉप से टो के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद इक्विपमेंट को कवर कर देते हैं। उसके बाद में जो हमारी सिग्मा ब्लेड्स हैं उनको हम रोटेट करते हैं एक फिक्स्ड स्पीड पे। जो स्पीड है हम दोनों जो ब्लेड्स हैं उनकी स्पीड में डिफरेंस रखते हैं। एक ब्लेड की स्पीड दूसरे की स्पीड की दुगनी होती है। मीन्स अगर एक जो है 50 rpm पे मूव कर रहा है तो दूसरा 100 rpm पे मूव करता है और इनका जो मूवमेंट है वो टुवर्ड्स ईच अदर होता है। मीन्स एक जो है इस साइड मूव करेगा, एक अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो एक एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। मीन्स जो भी सब्सटेंस है उसको वो सेंटर की ओर लेके आएगा। तो इसके कारण क्या होता है कि जो भी हमारा सब्सटेंस है, जो भी हमारा मटेरियल है वो जो है आता है सेंटर की ओर आता है और टॉप और जो है वो मीन्स जो है डाउनवर्ड की ओर मूव करता है। मीन्स ऊपर जाता है, नीचे आता है और इक्विपमेंट के साइड से सेंटर की ओर उसको हम मूव करते हैं, बीच में हम उसको लेके आते हैं। सो वो कन्वेक्टिव एंड शेयरिंग एक्शन कैन बी अचीव्ड। इसके कारण हमें कन्वेक्टिव और शेयरिंग दोनों एक्शन जो है हमें प्राप्त होते हैं। उसके बाद जब प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है तो हम जो हमारा बाउल है उसको टिल्ट करते हैं और एम्प्टी कर लेते हैं, उसको हल्का सा झुका के उसमें से जितना सब्सटेंस है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। अब हम इस इक्विपमेंट के यूजेस के बारे में बात करें तो इसका जो पहला यूज है मिक्सिंग ऑफ डो इन बेकिंग इंडस्ट्री। बेकिंग इंडस्ट्री में हम डो को प्रिपेयर करने के लिए, मीन्स आटे को प्रिपेयर करने के लिए, या आप कह सकते हैं हिंदी में अगर इसको कहा जाए तो डो को हम बोलते हैं लोई, तो उसको प्रिपेयर करने के लिए हम मिक्सिंग का यूज करते हैं, इस इक्विपमेंट का यूज करते हैं। मीन्स वो जितने भी आपकी केक की इंडस्ट्री है, बिस्किट की इंडस्ट्री है, आपके ब्रेड की इंडस्ट्री है, वहां पे हम इस इक्विपमेंट को यूज करते हैं। इसका जो दूसरा यूज है यूज इन द वेट ग्रेनुलेशन प्रोसेस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेबलेट पिल्स एंड ऑइंटमेंट। इन इस इक्विपमेंट को हम वेट ग्रेनुलेशन की प्रोसेस में यूज करते हैं। अगर हमें टेबलेट प्रिपेयर करना है, कोई पिल प्रिपेयर करनी है या ऑइंटमेंट प्रिपेयर करना है तो उस कंडीशन में हम इस इक्विपमेंट को यूज करते हैं। ये इक्विपमेंट यूज किया जाता है लिक्विड सॉलिड मिक्सिंग में भी यूज करते हैं और सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग में भी हम इस इक्विपमेंट को यूज करते हैं। अब हम लोग इस इक्विपमेंट के एडवांटेज के बारे में बात कर लें तो इसका जो पहला एडवांटेज है क्रिएट मिनिमम डेड स्पेस। इसमें जो है डेड स्पेस बहुत
कम होता है, मीन्स इक्विपमेंट के अंदर हर पार्ट में प्रॉपरली मिक्सिंग होती है, कोई भी पोर्शन अनमिक्स्ड नहीं रहता है। आइडियल फॉर मिक्सिंग हाई विस्कस मास, ये इक्विपमेंट अगर कोई हमारा ज़्यादा विस्कस सब्सटेंस है उसको मिक्स करने के लिए यूज होता है, स्टिकी एंड डो लाइक प्रोडक्ट। अगर हमारा सब्सटेंस स्टिकी है और अगर मीन्स अगर उसकी लोई हमें क्रिएट करनी है तो उस कंडीशन में भी हम इसको यूज करते हैं। लम्स एंड एग्रीगेट ब्रोकन बाय द परफोरेटेड ब्लेड, जो हमारी परफोरेटेड ब्लेड्स हैं उसके थ्रू हम जो भी लम्स उसके अंदर क्रिएट होते हैं या एग्रीगेट्स क्रिएट होते हैं जो थक्के बनते हैं, अगर सब्सटेंस इकट्ठा हो रहा है तो उसको भी ब्रेक करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। अगर हमारा जो सॉल्वेंट है वो वोलेटाइल है तो उस कंडीशन में हम इस इक्विपमेंट को प्रॉपरली जो है कवर करके यूज करते हैं, जिससे कि वोलेटाइल सब्सटेंस का उसके अंदर से लॉस नहीं होता है। अगर हम इस इक्विपमेंट के डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका केवल एक डिसएडवांटेज है, इट वर्क एट ए फिक्स्ड स्पीड, ये एक फिक्स्ड स्पीड पे ही काम करता है, इसमें हम स्पीड ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे जो ब्लेड्स हैं वो टूट सकती हैं, वो हमारे प्रोडक्ट को कंटामिनेट कर सकती हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्लेनेटरी मिक्सचर के बारे में। अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो इस मिक्सचर में क्या होता है, जो भी हमारी ब्लेड्स हैं वो हमारे सब्सटेंस को टियर करती हैं और एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे इसको मूव कराती हैं, जिसके कारण कि हमारा सब्सटेंस प्रॉपरली मिक्स हो जाता है, मीन्स उसको वो एक तरह से फाड़ती हैं। अभी मैं इक्विपमेंट पे आऊँगा तो आपको क्लियर होगा किस तरह से वो उसको टियर करते हैं, और इसके कारण कि हमें जो है शेयरिंग का फोर्स प्राप्त होता है, जो भी हमारा स्टेशनरी बाउल है और जो हमारी मूविंग ब्लेड है उन दोनों के कारण हमें यहाँ पे शेयरिंग का एक फोर्स प्राप्त होता है, जिससे कि हमें मिक्सिंग अचीव होती है। जो मिक्सिंग आर्म है वो टू डायमेंशनली मूव करते हैं, अपनी एक्सिस पे भी मूव करते हैं और थ्रू आउट द कंटेनर या सेंट्रल एक्सिस पे भी ये मूव करते हैं। और जब ये मूव करते हैं तो क्या होता है, टू ईच एवरी स्पॉट ऑफ द वेसल, ये रीच करते हैं हर पार्ट ऑफ वेसल के, मीन्स डेड स्पॉट यहाँ पे भी काफी कम होता है। प्लेट्स इन द ब्लेड्स आर स्लोप्ड, जो प्लेट है ब्लेड में वो स्लोप्ड होती हैं, जिसके कारण कि सब्सटेंस को ऊपर की ओर वो उठाते हैं, अपवर्ड मूवमेंट होता है, और इसके कारण कि हमें उस प्लेस पे एक टम्बलिंग मोशन क्रिएट होता है और हमें प्राप्त होता है कन्वेक्टिव मोशन भी वहाँ पे अचीव होता है। ये दोनों चीज़ें, टम्बलिंग मोशन और कन्वेक्टिव मोशन हमें दोनों प्राप्त होता है, जिससे कि मिक्सिंग हमारी प्रॉपर होती है। ये हमारे इस इक्विपमेंट का डायग्राम है, अगर आप वो देखें तो ये हमारी ब्लेड्स हैं, ब्लेड्स में यहाँ पे ओपनिंग है जिसके कारण कि वो इसके अंदर जो सब्सटेंस है इसको वो टियर करता है, फाड़ता है और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कराता है। तो ये ऊपर की ओर है, इसको हम बोलते हैं प्लेनेटरी गियर, और ये इसको हम बोलते हैं बीटर या ब्लेड, ये जो हमारी है इसको हम बीटर या ब्लेड बोलते हैं, और ये जो हमारा है इसको हम बोलते हैं सेल और बाउल, ये स्टेशनरी होता है, ये मूव नहीं करता है। अब हम लोग इस इक्विपमेंट के कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए वर्टिकल सिलेंड्रिकल सेल, ये एक वर्टिकल सिलेंड्रिकल सेल का बना हुआ होता है। अगर हमको इसको रिमूव करना है तो या तो हम जो भी हमारी ब्लेड्स हैं उसको ऊपर करके इसको रिमूव कर लेते हैं, या हम बाउल को नीचे करके हम इसको रिमूव करते हैं इसके प्लेस से, मीन्स हम या तो ब्लेड को ऊपर कर लेंगे या बाउल को नीचे करके हम बाउल को बाहर निकाल लेते हैं। जो भी हमारी मिक्सिंग ब्लेड है इज माउंटेड फ्रॉम द टॉप, मिक्सिंग ब्लेड ऊपर की ओर से माउंटेड होती है। द मिक्सिंग शाफ्ट इज ड्रिवन बाय द प्लेनेटरी गियर नॉर्मली विद ए वेरिएबल स्पीड ड्राइव, जो भी हमारा मिक्सिंग शाफ्ट है वो जो कंट्रोल होता है ड्रिवन होता है प्लेनेटरी गियर्स के द्वारा, जिसके कारण कि हमें प्रॉपर मिक्सिंग प्राप्त होती है, इसको हम अलग अलग स्पीड पे भी रोटेट कर सकते हैं। अब हम इस इक्विपमेंट के वर्किंग की बात करते हैं तो इस इक्विपमेंट में क्या होता है, जो भी हमारा एजिटेटर हैज प्लेनेटरी मोशन, जो हमारा एजिटेटर है जो हमारी ब्लेड्स है उसके अंदर प्लेनेटरी मोशन होता है, उसके कारण क्या होता है, रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, अपने एक्सिस पे भी ये मूव करते हैं और सेंट्रल एक्सिस पे भी मूव करते हैं। तो अगर हम इसको डायग्राम से समझें तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये इक्विपमेंट, ये ब्लेड जो है अपनी जगह पे भी रोटेट करता है और गियर के कारण ये पूरे कंटेनर में भी मूव करता है। तो जो भी हमारा सब्सटेंस है वो
जो हमारी ब्लेड्स है वो गियर के कारण प्रॉपरली अपने एक्सिस पे भी मूव करती है और थ्रू आउट द इक्विपमेंट भी मूव करती है, जिसके कारण कि हमारे जो हमारी ब्लेड्स हैं वो वेसल के हर पार्ट तक पहुंच जाती हैं। जो एजिटेटर रीच ऑल द पार्ट्स ऑफ द बाउल, जो वो हमारे साइड में भी पहुंच जाता है और बॉटम में भी आ जाता है, जिसके कारण कि हमें बहुत ही कम डेड स्पेस या डेड स्पेस बिल्कुल भी नहीं मिलता है। द प्लेट्स इन द ब्लेड्स आर स्लोप्ड, जो भी हमारी ब्लेड है उसकी जो प्लेट्स हैं वो स्लोप्ड होती हैं, जिसके कारण कि क्या होता है, द पाउडर मेक्स अपवर्ड मूवमेंट, टम्बलिंग कन्वेक्टिव मोशन इज ऑब्टेन्ड। जो भी ब्लेड्स हैं उसमें जो स्लोप के कारण हमारा सब्सटेंस ऊपर की ओर जाता है और जिसके कारण कि हमें टम्बलिंग और कन्वेक्टिव मोशन प्राप्त होता है। इस इक्विपमेंट में जो हमारे ब्लेड्स की स्पीड है उसको हम वैरी कर सकते हैं, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। हम इनिशियली क्या करते हैं, ब्लेड्स को स्लो स्पीड पे मूव करते हैं, जिससे हमें एक प्री मिक्सिंग प्राप्त होती है। उसके बाद में हम अपने सब्सटेंस को एक इंक्रीज्ड स्पीड पे मूव करते हैं, जिसके कारण कि हमें एक्टिव मिक्सिंग, प्रॉपर मिक्सिंग सब्सटेंस की प्राप्त होती है। जब मिक्सिंग कंप्लीट हो जाती है तो हम अपने सब्सटेंस को बाउल से निकाल लेते हैं, बाउल को एम्प्टी कर देते हैं। हम लोग इस इक्विपमेंट के यूज के बारे में बात कर लेते हैं, तो अगर हम इसको लो स्पीड में यूज करते हैं तो हम ड्राई मिक्सिंग प्रॉपरली इसके अंदर कर सकते हैं। फास्ट स्पीड में अगर हम इसको यूज करते हैं तो ये वेट ग्रेनुलेशन के लिए यूज होता है, हमारे वो टेबलेट की मैन्युफैक्चरिंग में, पिल्स की मैन्युफैक्चरिंग में और ऑइंटमेंट की मतलब मैन्युफैक्चरिंग में तो इसको हम यूज कर सकते हैं, कैप्सूल में भी इसको यूज करते हैं। अगर हम स्टीम जैकेटेड बाउल यूज करते हैं, मींस अगर हम अपने बाउल को स्टीम से हीट करते हैं तो उस कंडीशन में हम सस्टेन्ड रिलीज प्रोडक्ट और ऑइंटमेंट इसके अंदर बना सकते हैं। अब हम इस इक्विपमेंट के एडवांटेज की बात कर लेते हैं, तो इसका जो पहला एडवांटेज है, स्पीड ऑफ रोटेशन कैन बी वेरिएबल एज नीडेड। जैसी हमें आवश्यकता होती है हम रोटेशन की स्पीड को चेंज कर लेते हैं। मोर यूजफुल फॉर वेट ग्रेनुलेशन, ये वेट ग्रेनुलेशन की कंडीशन में बहुत अच्छा उपयोग में आता है। कोई भी इसके अंदर डेड स्पेस नहीं होता, हर पोर्शन में हमें प्रॉपर मिक्सिंग प्राप्त होती है। हाई शेयरिंग कॉजेज ब्रेकडाउन ऑफ एग्रीगेट, जो हमारा हाई स्पीड है उसके कारण कि हमें जो एग्रीगेट है, जो भी हमें थके मीन्स सब्सटेंस इकट्ठा हो रहा है वो उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। अगर हम इस इक्विपमेंट के डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका पहला डिसएडवांटेज है मैकेनिकल हीट बिल्डअप। जब ये इक्विपमेंट रोटेट करता है तो उस कंडीशन में हीट वहाँ पे क्रिएट होती है, इसमें बहुत ज़्यादा पावर की आवश्यकता होती है। अगर हमारा वो सब्सटेंस जितना ज़्यादा विस्कस है या हमारा सब्सटेंस मीन्स वो जितना ज़्यादा उसकी डेंसिटी है उतना ज़्यादा हमें इसके अंदर पावर अप्लाई करना पड़ेगा। और ये इक्विपमेंट लिमिटेड साइज का होता है, इसको हम ज़्यादा बड़ा यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसके कारण कि इसको हम बैच प्रोसेस में ही यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, ये दोनों इक्विपमेंट आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। इसका जो नोट्स है वो आपको 2-3 दिन बाद डिस्क्रिप्शन में PDF फॉर्म में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।